हेलो दोस्तों, मैं हूं दर्शन सिंह सामंत और आज मैं जा रहा हूं तारेभीर, एक काफ़ी खूबसूरत और शानदार जगह है। नामची से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर बना है, साउथ सिक्किम में। काफ़ी शानदार नज़ारा वहां से दिखता है सामने, दार्जिलिंग और कालिंगपोंग वहां से दिखाई देता है ऊपर, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे है वो, दार्जिलिंग और कालिंगपोंग से भी ज़्यादा हाइट पे है। काफ़ी शानदार मौसम है अभी, रोड भी अच्छी खासी बनी हुई है, यहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो देखते हैं नज़ारा कैसा है आगे। देवदार के काफ़ी पेड़ दिखेंगे यहाँ पे आपको। और ये मैं पहुँच गया हूँ, यहीं पे बाइक पार्क में लगा देता हूँ। चलो चलते हैं अब अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, सदाम बोलते हैं इसको, नामची में ही पड़ता है साउथ सिक्किम में। जैसा कि आप देख सकते हैं देवदार के पेड़ हैं दोनों तरफ, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है गेट। यहाँ पे वैसे आपको एंट्री के लिए एक वो काटना पड़ता है पर्चा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। और ये देखो भाई साहब नज़ारा एकदम शानदार। इसकी टोटल लेंथ है 10,000 फीट, और एक साइड से मतलब पूरा एक क्लिफ टाइप की है, एक साइड से पूरे हरे भरे देवदार के पेड़ हैं और दूसरी साइड उससे थोड़ा सा कम हरे, मतलब लाइट ग्रीन, छोटी छोटी झाड़ियाँ, घास, मॉस, ये सब मिलेगा आपको। चाइना की दीवार वाली फील भी आएगी आपको थोड़ी थोड़ी। सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी बनी है लेकिन यहाँ पे बरसात को छोड़ के आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से शानदार नज़ारा दिख रहा है एकदम। सीढ़ियों के बगल में सेफ्टी रेलिंग्स भी बनी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो भाई साहब नीचे का नज़ारा एकदम, पूरा हिमालय की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ पे आपको होम स्टे भी मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 1,200 रुपये लेते हैं वो पर डे का चार्ज, इंक्लूडिंग डिनर। यहाँ से आप सिक्किम की मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं, नदियाँ देख सकते हैं, खूबसूरत वादियाँ, और रंगीत और तिस्ता नदी का एक जो खूबसूरत मिलन होता है उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। मेरी बाईं तरफ देखिए आप, एकदम देवदार का घना जंगल है, और दाईं तरफ एकदम गहरी खाई। जिन लोगों को हाइट से डर लगता है उनके लिए थोड़ा सा टफ भी हो सकता है ये, लेकिन ऐसे डरने की कोई बात तो है नहीं। मतलब एक बहुत अच्छी जगह है ये, जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं अभी भी, क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता मतलब इसके बारे में यहाँ पे, लेकिन आने वाले टाइम में एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा फोकस करे तो। मस्त नज़ारा है भाई साहब। ऐसा लग रहा है आसमान पे बनी है पूरी ये जो। पगडंडी नीचे को जाना तो इजी है वैसे भी, लेकिन ऊपर को आते टाइम थोड़ा सा हार्ड है, मतलब कुछ लोगों के लिए जिनको हैबिट नहीं है, मतलब एक नेचुरल थ्रिल का आप यहाँ पे मजा ले सकते हैं। लगभग 3,500 फीट की इसकी हाइट है। यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा दिख रहा है खतरनाक, दूर दूर का मस्त
पूरा ट्रैकिंग का भी आपको यहाँ पे फील मिलेगा, मतलब लगभग 10,000 फीट इसकी टोटल लेंथ।